स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन, राइट। सो आपके टेक्स्ट में बताया गया है जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं तैसे तैसे फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती है। बॉडी मूव नहीं करती, इट रिमेन स्टेशनरी, और वो क्यों स्टेशनरी रहती है? ड्यू टू इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आपने फोर्स बढ़ाई, आपने फोर्स इंक्रीज की, फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस बट अप टू सम मैक्सिमम पॉइंट। इस मैक्सिमम पॉइंट को मैंने लेबल किया ए से और इसको डिनोट किया एफ एस से। दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जिसके बाद आपकी बॉडी जो है, आप ज़रा भी फोर्स इंक्रीज करोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, वो मोशन में आ जाती है और आपने देखा इट रिमेंस कॉन्स्टेंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें मैंने एफ के लिखा हुआ है, दिस इज़ अ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये क्या है, ये लाइन स्टैटिक फ्रिक्शन की। अच्छा, जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके बाद आपने देखा है कि आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कंपैरेटिवली लेस होती है किससे, एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन से। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक कार है, जैसे कार है वो स्टॉप हो तो उसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, आप एक आदमी या दो आदमी मिलकर के उसको मूव करते हो, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आ जाती है तो फिर वो आपको इतनी हैवी नहीं लगती, आप उसको आसानी से मूव कर सकते हो। तो जो मूविंग बॉडीज़ होती हैं उनमें फ्रिक्शन जो प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन कंपैरेटिवली लेस होती है किससे, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन से। यानी एक स्टैटिक बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो फ्रिक्शन की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको शो कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन को, और ये जो ए पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन को शो करता है जिसके बाद बॉडी क्या आ जाती है, वो मोशन में आ जाती है। अब इसमें जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी डेट इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अगेन हमने एक ब्लॉक ले लिया ऑफ मैस एम, ठीक है, इसकी प्रेसिंग फोर्स है विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, दिस एम जी इज़ बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, हमने एक फोर्स अप्लाई की एफ इसके ऊपर, लेकिन वो फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बॉडी को मूव करे, जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करेंगे तैसे तैसे उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, बट एट सम पॉइंट, से वो पॉइंट है ए पॉइंट, राइट, ए पॉइंट यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पॉइंट जब आ जाएगा उसके बाद बॉडी क्या करती है, जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे तो बॉडी स्लिप करेगी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, दोबारा फिगर में देखें, रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी, प्रेसिंग फोर्स है रिएक्शन, ठीक है। सो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस किया इक्वालिटी में तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया म्यू एस, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप दोबारा देखो डायग्राम में, रिएक्शन किसके इक्वल है, वेट ऑफ द बॉडी के, आर की बजाय हम एम इंटू जी भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, म्यू एस इज इक्वल टू एफ रेशियो ऑफ रेशियो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय इट्स वेट, या इसको वेट भी कह सकते हो, इसको प्रेसिंग फोर्स भी कह सकते हो, इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हो। तो आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ लुक एट द बुक, बुक में आप देखिए पेज नंबर 73 में, ये देखिए इसकी डेरिवेशन दी हुई है और उन्होंने दिया हुआ है कि फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन डिजायरेबल भी है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। इट इज़ रिस्की टू रन ऑन ए वेट फ्लोर विथ शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स बिकॉज लेस फ्रिक्शन ऑफर होती है और आप स्लिप कर जाते हो। एथलीट यूज़ स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्राउंड ग्रिप, सच शूज़ प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट। वट विल we do to stop our bicycle, we apply brakes, the rubber pads pressed against the rim provide friction, this friction stops the bicycle, ठीक है। देखिए ये कोई क्विज मैं आपको दिखा रही हूँ, डू इट बाई योर सेल्फ, और इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। और अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।